सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसलत किया था, आज कौम को जवाब दें कि तुमने किया क्या, गद्दारी की है कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। ये डरते आपकी वजह से हैं। इनको पता है कि जब इलेक्शन हुआ इनका नाम और निशान मिट जाएगा। दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान का बयान हतक आमेज है। बेदाग हुब्बुल वतनी और शानदार अहलियत वाली सीनियर फौजी क्यादत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इमरान खान के फैसलाबाद जलसे से खिताब में दिए बयान पर पाक आर्मी का रद्द अमल, कहा आर्मी चीफ के इंतखाब का अमल मुतनाज़े बनाना न रियासत पाकिस्तान न ही इदारे के मुफाद में है। अफसोस है कि ऐसे वक्त सीनियर फौजी क्यादत को बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की गई जब हर रोज इदारा पाकिस्तानी आवाम की सलामती और तहफ्फुज़ के लिए जाने कुर्बान कर रहा है। आर्मी चीफ की तकर्री का तरीका आईन में वाज़ह है। तनाज़ियात को हवा देने की कोशिश करने वाले सीनियर सियासतदानों का तर्ज अमल मायूस कुन है। इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे में कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपना चोरी किया पैसा बचाने के लिए फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं और डरते हैं कि कोई तगड़ा और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो उनसे